ईपीएफओ एम्प्लॉयज पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी आखिरी तारीख जो है वो सितंबर 29 थी। अब मैं आपको बता दूं कि जो डेडलाइन है उसे बढ़ा दिया गया है। आप भी जानते हैं कि पीएफ एक ऐसी चीज है जो आपके खाते से कटती है और जब चाहे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे तो उसकी आखिरी तारीख जो है वो सितंबर 29 रखी गई थी। इसके बाद आपको बता दें कि उसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, यानी इसकी डेडलाइन को दिसंबर 31 तक कर दिया गया है। अगर आप लोग भी जो है वो ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, या आपकी सैलरी से, यानी आप भी जानते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी से अगर आपका पीएफ कटता है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए या आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का वैलिडेशन दोबारा नहीं करवाया, तो आप भी जानते हैं कि आपको भारी नुकसान हो सकता है। आपको भारी नुकसान ना हो, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ ने जो है अपनी आखिरी तारीख को, अपनी डेडलाइन को दिसंबर 31 तक बढ़ा दिया है। अब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को जो है वो वहां पर दे सकते हैं, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स देने के साथ साथ वहां पर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने हैं कि ये खाता जो है वो आप ही का है और आपकी वेजेस से ही, बेसिक सैलरी से ही जो है पीएफ कटता है। लेकिन अब सबसे पहले यहां पर जो लोग हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कि ईपीएफ जो है वो एक अलग चीज है और ईपीएफओ जो है वो एक अलग चीज है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ईपीएफओ है एम्प्लॉयज पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन, और अगर हम पीएफ की बात करें वो है प्रोविडेंट फंड, जो आपकी बेसिक सैलरी से काटा जाता है। ये दोनों एक ही चीजें हैं। इसीलिए अगर आपने डिले कर दिया है अपने डॉक्यूमेंट्स में, अगर आप अपनी वैलिडिटी वहां पर जो है वो चेक नहीं करवा पाए हैं, तो अब आप लोगों के लिए 3 महीने का समय जो है वो बढ़ चुका है। क्योंकि यहाँ पर ईपीएफओ ने ये पाया कि 5 लाख से ज्यादा लोगों ने उन्हें जो है अपने दस्तावेज भेज दिए हैं, बट वो उनकी ओरिजिनैलिटी को चेक नहीं कर पाए हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम बाकी जितने भी बचे हुए लोग हैं उन्हें 3 महीने की डेडलाइन को बढ़ा देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो यहां पर वैलिडिटी करवा पाएं कि क्या यही उनका खाता है। अब आगे जब आपको बता दें कि जो हायर पेंशन लेने वाले हैं उनका भी पीएफ कटता है, उनके लिए भी सेम चीज कही गई है कि वो भी यहां पर जो है अपने प्रोसेस को कंप्लीट करें, और प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो आखिरी तारीख है वो दिसंबर 31 है। सितंबर 29 को जो है ये खत्म होनी थी, लेकिन इसे 3 महीने बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है नवंबर 4 2022 का, जिसमें हायर पीएफ पेंशन के लिए कहा गया है और ईपीएफओ के लिए यह कहा गया था कि इनकी जो विंडो है एम्प्लॉयज के लिए वो जो है फरवरी 26 से लेकर मई 3 तक जो है खुली रहेगी। उसके बाद में काफी ज्यादा एम्प्लॉयज ने यह कहा कि बहुत कम समय है, इस विंडो को जल्दी से जल्दी क्लोज नहीं करना चाहिए हम, ताकि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा पाए। फिर इसे जो है वो जून 26 से लेकर जुलाई 11 तक जो है वो रखा गया। उसमें जो है 17.40 लाख एप्लीकेंट आए वहां पर, जिनके ज्वाइंट ऑप्शंस भी थे, उन्होंने भी जो है वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। लेकिन आपको बता दें कि जुलाई 11 के बाद में सितंबर 30 किया गया था। अब बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनके अभी भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, और खुद ईपीएफओ का ये कहना है कि हमारे पास अभी जितनी भी एप्लीकेशन आई हैं कुल मिलाकर 5.52 लाख, अभी हमने वही पूरी तरह से जो है वो चेक नहीं किए, हमने वही पूरी तरह से जो है अच्छी तरह से उन्हें हम चेक नहीं कर पाए हैं। इसलिए ईपीएफओ जो है वो 3 महीने की डेडलाइन को और बढ़ा रहा है। और मैं आपको आगे ये भी बता दूं कि जो इसके चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के, उन्होंने खुद कहा है कि वो इसको जो है वो बढ़ा रहे हैं और 3 महीने तक कर रहे हैं, ताकि लोग जो है अपनी वेजेस की डिटेल सबमिट कर सके, ताकि लोगों का खाता बंद ना हो। ये थी उनकी तरफ से जानकारी। अगर आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर नहीं जमा करवाए अपने डॉक्यूमेंट्स, तो आप लोग ये समझ जाइए कि आपका जो प्रोविडेंट फंड वाला खाता है, यानी जिसमें आपकी वेजेस को काट कर जो है वो डाला जाता है प्रोविडेंट फंड, अगर आपने उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, अपनी मंथली वेजेस की सबमिशन वहाँ नहीं की, तो आपका ये खाता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। फिर चाहे आपके खाते से पैसे भी कटते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए 3 महीने के अंदर अंदर ये आप जरूरी काम कर लें। अगर आप ईपीएफओ या ईपीएफ का इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों सेम टर्म है और दोनों चीजें भी बिल्कुल सेम है। इन दोनों का मतलब यही है कि प्रोविडेंट फंड जो आपकी बेसिक वेजेस से काटा जाता है, इसलिए आपको अपनी वेजेस की डिटेल वहां पर सबमिट करानी, यानी अपने डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट कराने, ताकि आपके डॉक्यूमेंट की जो है वो वैलिडिटी जो है पता चल सके कि कितनी है और कितनी देर तक जो है इसे आप ओरिजिनैलिटी में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन न्यूज़।